तो देखिए दोस्तों, ये ही है श्री गणेश गुफा का रास्ता। हमने आपको जो दर्शन कराए वो झिरमिल गुफा करवाए और एक कदली वन है। चलिए अब चलते हैं। और कुछ इस तरीके का रास्ता है, गणेश गुफा 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, गणेश गुफा तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले नीलकंठ मंदिर आना पड़ेगा, उसके बाद झिलमिल गुफा आना पड़ेगा और उसके बाद आप गणेश गुफा, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों और दर्शनीय स्थल है। एक मूर्ति बनी हुई है गणेश जी की पहाड़ी के अंदर, और चलिए आपको वहीं पर चल के दर्शन कराता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर जो है प्रसाद वगैरह एक व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ भी। तो यहाँ भी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो और खाना वगैरह भी खा सकते हो और प्रसाद भी मिल जाएगा। ऊपर भी एक दुकान है, साइड में ऊपर भी दुकान है, तो वहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हो। और ये खाने के लिए मैगी पॉइंट बना हुआ है, देखिए कैसा रास्ता है उधर साइड से। और वो सामने जो आप देख रहे हो वही गणेश गुफा है उस पहाड़ के ऊपर। दोस्तों, गणेश गुफा तक पहुंचने के लिए आपको इन जंगलों से गुजरना होगा और जंगली जानवरों को ज़्यादा खतरा रहता है दोस्तों। और यहां से आप व्यू देख सकते हो कितना ही ज़बरदस्त है। देखिए दोस्तों, यही मुख्य द्वार है। कौन सा मंदिर है भैया ये? गणेश गुफा। गणेश गुफा, आए हो पहले कभी? दूसरी बार आया। अच्छा, मैं तो आ चुका हूँ लेकिन यहाँ याद नहीं है, काफी बार आ चुका हूँ। स्वयंभू माने जाते हैं यहाँ गणेश भगवान। ठीक है दोस्तों, हम जो है गणेश गुफा के अभी द्वार पे बैठे हैं, थक गए थे बहुत ज्यादा, तो अभी दर्शन करते हैं, अंदर चलते हैं मंदिर के। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं, चलिए अब अंदर चलते हैं। साक्षात दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। हाँ, मैं हिल गया देख के, इतनी खूबसूरत। तो देखिए दोस्तों, आप सामने देख सकते हो पत्थर के आकार की मतलब मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए सामने ही श्री गणेश भगवान जी है और आप दर्शन कर सकते हो दोस्तों। और वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों। ये देखिए, एक पहाड़ी के अंदर बना हुआ है ये मंदिर, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। और मंदिर के पास में ही ये शिवलिंग और नंदी महाराज जी है। तो गाइज, हम अब आ चुके हैं और झिलमिल गुफा पे वापस आ चुके हैं, और अभी पकौड़ी खा के और थोड़ी चाय पी के तब चलते हैं वापस। तो दोस्तों, समय जो हुआ है लगभग वो 1:30 बजा है। तो हम झिलमिल गुफा, गणेश गुफा सारे में आपको दर्शन करा दिए है, नीलकंठ महादेव मंदिर के भी आपको दर्शन कराए थे। तो अब लगभग 1 से 1:30 बजा है अभी, और चलते हैं, अब वापस चलते हैं। तो वीडियो था ये, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और झिलमिल गुफा पे ही अभी अब चलते हैं वापस। तो बाय बाय दोस्तों, एंड करते हैं इस ब्लॉग का। अरे भूख लग रही थी यार। बस ए जस्सी, ओए ये जा रहा था हमारे पीछे।